कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विधानसभा में किए सवाल का जवाब न मिलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक के अनुसार कमला नेहरू अस्पताल में हुई दुर्घटना में बच्चों की मौत मामले को लेकर सदन में सवाल उठाया था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री ने बताया कि 4 बच्चों की मौत हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं 5 लोगों को मुआवजा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इस पूरे मामले में सरकार लिपापोती करने में लगी है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि एक सवाल का जवाब भी नहीं मिला। इस पूरे प्रकरण को लेकर मैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से शिकायत करूंगा। हमीदिया हॉस्पिटल कमला नेहरू चिकित्सालय में एक बहुत बड़ा हादसा भोपाल का हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे नवजात शिशु जिनको हम बचा नहीं पाए। इस गंभीर पेशेंट को मैंने लगाया था और आज चर्चा में आया। दुर्भाग्य कि हम लोग चर्चा चाहते थे, लेकिन हाउस के क्वेश्चन का पीरियड पूरा के पूरा स्थगित कर दिया गया। मैंने क्वेश्चन में जो जानकारियां मांगी थी उसमें सरकार स्वीकार कर रही है। एक तरफ एक प्रश्न में कह रही है कि 4 लोग मरे, और वहीं प्रशासन के गृह मंत्री हमारे कह रहे हैं कि 5 लोगों को मुआवजा दिया। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि 4 मृत्यु हुई और 5 का मुआवजा दिया, तो डिफरेंस यहीं पे दिख गया। एक मेरे प्रश्न पूछा था कि इस हानि में FIR अभी तक क्यों नहीं हुई, तो गृह मंत्री कहते हैं कि इस पे मर्ग कायम है और मर्ग कायम के चलते अभी जांच चल रही है। और चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट से घटना हुई है, यानी पूरा लीपापोती सरकार कर रही है और ऐसे गंभीर विषय को इस तरह से लीपापोती करना। और एक मेरे प्रश्न का उत्तर ही गायब कर दिया। मैंने पूछा था, प्रश्न ही बदल दिया। मैंने पूछा था कि 8 से 15 तक कितनी बच्चों की मृत्यु कमला नेहरू शिशु में हुई, तो 8 का तो हवाला दिया और 8 के बाद से 15 तक का गायब ही, और 8 का पूछा विधानसभा की तरफ से। ये तीनों गंभीर मामले हैं, इसको मैं अध्यक्ष महोदय को भी अवगत कराऊंगा और मैं चाहूंगा कि बाकी बात PC भाई आपसे करें।